नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है 23 का रण, भीषण हुई जंग। प्रदेश में चुनाव है और सियासी दलों की तैयारियां लगातार तेज हैं। उदयपुर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने मेवाड़ की धरती से कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं शाह के बयान को लेकर के पलटवार में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक ने मोर्चा संभाला। केंद्र सरकार और बीजेपी पर कई सवाल दागे हैं। पहले गृहमंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार तो कन्हैयालाल के हत्यारों को पकड़ना भी नहीं चाहती थी, उन्हें एनआईए ने पकड़ा। इसी पर सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया और शाह पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। इसी मुद्दे को लेकर के आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। आपको बता दें कि आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ में जो खास मेहमान हैं, उनमें सबसे पहले मनीष पारिख हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ आज रहेंगे, चर्चा में शामिल होंगे। और साथ ही साथ आरसी चौधरी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वही हमारे साथ हैं महेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले महेश शर्मा जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगा। क्या ये बयानबाजी तमाम मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, परिवारवाद, ये तमाम चीजें इसलिए अब निकल करके बाहर आ रही है क्योंकि प्रदेश में चुनाव है, या इससे इतर भी इनके कोई मायने हैं? गृहमंत्री अमित शाह ने तमाम बातों का जिक्र किया, कांग्रेस ने भी पलटवार किया, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये बिल्कुल आपके जो आपने सुझाव दिया या बताया है, उसका मैं वही मतलब बोल रहा हूँ कि वास्तव में इस समय अब चुनाव की मोड में आ गया राजस्थान। सभी दल अपने अपने मतलब तैयारियों में जुट गए हैं, सभाओं और मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कितना इस माहौल को कैसे बनाता है, क्योंकि चुनाव में पहले माहौल बनाया जाता है, फिर मुद्दे तय किए जाते हैं और उसके बाद कैंडिडेट उतारे जाते हैं, और फिर इसके बाद में जो भी कुछ रणनीतियां जाती है, समीकरण वगैरह जो भी है बिठाने, वो किया जाता है। लेकिन बात यह है कि इतना होना चाहिए कि संवेदनशील मामलों को इस समय, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उन्हें आपस में एक राजनीतिक विभिन्नता की वजह से उसे विवाद का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। खासकर ये जो भी घटना हुई है उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड की, उसको लेकर के इस तरह का मतलब क्या कहता ना, एक दूसरे की कार्यशैली या मतलब उस पर नहीं सवाल उठाए जाना चाहिए। ये दोनों की जिम्मेदारी है, चाहे एनआईए हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे राजस्थान की कोर्ट हो या मतलब सुप्रीम कोर्ट हो, सबको मिल बांट के ये दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है वो अनर्गल बयानबाजी से बचें तो बहुत बढ़िया है। जी पारिक साहब, जल्दी से टिप्पणी चाहता हूं आपकी एक इस पर, जैसे कि अभी महेश शर्मा जी ने कहा कि ये तो दोनों सरकारों की ही जिम्मेदारी बनती है कि संवेदनशील मसले नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद कई सवाल आज मेवाड़ की धरती से गृहमंत्री ने खड़े किए हैं। ये दोनों बातें सही है हेमंत की, ये जो स्पेशल कोर्ट अपॉइंट होनी चाहिए थी जल्दी सुनवाई के लिए, वो राज्य सरकार का काम है, और एनआईए ने चालान पेश कर दिया है, उस पर चार्ज बहस होनी है, तो मुकदमे में जो कुछ उनको जांच करके देना था वो दे दिया था। लेकिन जो स्पेशल कोर्ट अरेंज करनी होती है जिसके कारण डे बाय डे सुनाई हो, उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख है कि अभी तक उनको सजा नहीं मिली है और इसमें एनआईए के कारण हो रहा है डिले, ये गलत बात है। और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि जो जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपी जिस तरह बरी हुए, हम उस धरने में शामिल रहे हैं जहां पर वो 71 लोग की तो डेथ हो गई और 150 लोग उसमें घायल हो गए थे, वो सब के परिजनों के साथ हमने धरने दिए थे, जब उन सब के दर्द यही था कि ये कैसे हो सकता है कि ये बम किसने फोड़ा, ये बम किसने किया। तो राजस्थान सरकार के जो यहाँ पर डबल एजी हैं, जो एजी हैं, उनके पास का टाइम नहीं है वहां पर बताने को, जब कोर्ट ने कह दिया कि इन्होंने पैरवी ढंग से नहीं करी है, वो गए ही नहीं कोर्ट में, उसमें तो कोर्ट ने ये भी कहा कि जांच भी ठीक तरीके से नहीं हुई है, जांच को लेकर के भी कोर्ट ने सवाल भी निवेदन किया, और लोअर कोर्ट ने जब उसी बिना पर सजा दी है उसके बावजूद इन लोगों ने इतनी लापरवाही बरती, तो ये सब एक्सपोज हो गए और इसी एक्सपोजर को माननीय अमित शाह जी ने रखा है।
नहीं, लेकिन लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मनीष पारिक साहब, कि मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी तरफ से जवाब भी दिया और ये सवाल पूछा है कि जो जिम्मेदार पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको संवेदनशील मसलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जैसे कि अभी महेश शर्मा जी ने भी कहा। सीएम ने यहां पर पूछा है कि ये गलत कहा गया यहां पर कि एनआईए ने पकड़ा, राजस्थान पुलिस ने मैं 4 घंटे में कन्हैयालाल हत्याकांड के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया था, तो क्या गलत तथ्य सामने रखे गए पारिक साहब? नहीं, पुलिस ने नहीं, मुझे ध्यान आता है कि वहाँ पे जो रास्ते चलते लोग हैं उन्होंने उनको पकड़ के वहाँ फॉलो किया और उसके बाद में वहाँ सूचना दी, इस तरह की बात हुई। उसमें जनमानस भी इन्वॉल्व था, जो जनता के नहीं, लोग लेकिन, थे। लेकिन एनआईए की टीम तो नहीं थी ना, एनआईए को तो केस ही ट्रांसफर बाद में हुआ था ना, 28 जून की घटना है, एनआईए को 2 जुलाई 2022 को ट्रांसफर हुई फाइल, तो क्या झूठा तर्क रखा गया? ये कांग्रेस का आरोप है। नहीं, इसको पकड़ के कोर्ट में डालने जैसी बात भी होती है कि इसके बारे में जांच करके पुख्ता जानकारी और नहीं, कांग्रेस आप पर यह आरोप लगा रखी है पारिक साहब कि आप चुनाव के चलते जनता को भ्रमित करने के लिए झूठे तर्क रखते हैं। नहीं नहीं, एक भी तर्क झूठा नहीं है, मैंने आपको कहा ये जो हाई कोर्ट में बम ब्लास्ट के आरोपी भरी हुए हैं, आप हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा ना, मैं पारिक साहब में तो बात कर रहा हूं उदयपुर की घटना की, जो इस पर कांग्रेस आपसे सवाल कर रही है, जो स्पेशल कोर्ट बनाने की बात आई थी जो माननीय अमित शाह जी ने उच्चारित की है कि स्पेशल कोर्ट बनाने का काम राज्य सरकार का था, तो कहां पे सीरियस है वो? अगर ऐसा होता तो चौधरी जी मेवाड़ की धरती से गृह मंत्री ने सीधे सवाल दागे हैं कि संवेदनशील नहीं है, आप पकड़ना ही नहीं चाहते थे उदयपुर में हत्याकांड के हत्यारों को, तो और ये भी कहा है कि कोई बीजेपी की तरफ से यह साफ किया गया है कि कोई उसके अंदर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था आरोपी। हेमंत जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा कि न्यूज 18 राजस्थान के दर्शकों के बीच में आप सत्य को अंतिम समय पे उजागर करेंगे, हर सरकार को कटघरे में खड़े कीजिए, आप तल्ख प्रश्न कीजिए, हमारी जवाबदेही तय कीजिए, लेकिन गुनहगार कौन है यह आपके कंक्लूजन में होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि यहाँ पे महेश शर्मा जी ने कहा कि सरकारों को इससे बचना चाहिए। एक देश का केंद्रीय गृह मंत्री जिनके नेतृत्व के अंदर आज मणिपुर के अंदर कितने लोगों की जान चली गई, कितने घर जला दिए गए, कितने लोग विस्थापित हो गए, वो केंद्रीय गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि देश के अंदर, राज्यों के अंदर आंतरिक शांति, सुरक्षा बहाली और विश्वास कायम करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 9 साल की उपलब्धियां बताने में असफल रही, उनका सदैव एजेंडा रहा ध्रुवीकरण का, सांप्रदायिकरण का, विभाजन का, और नफरती राजनीति उनकी रू रू में बसी है। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो आरोप लगाए वो एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए गृह मंत्री के बेबुनियाद, निराधार और झूठे आरोप थे। आप और सबने देखा था राजस्थान पुलिस के, मैं उन वीर बहादुर जवानों को धन्यवाद देता हूं जो 28 जून को इस राज्य की धरा पे एक आतंकी घटना हुई, उसके अपराधियों को 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया था। इसलिए मैं उस पुलिस को, राजस्थान के उन बहादुर लोगों को आपके चैनल के माध्यम से उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं उस राजस्थान की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि तमाम नफरती तत्वों के बावजूद हमारा भाईचारा, सौहार्द और प्रेम को ठेस नहीं पहुंचा पा रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं कहना चाहूंगा कि 28 जून को उदयपुर के धानमंडी के अंदर मुकदमा दर्ज होता है, केस नंबर है 81/2022 पीएस धानमंडी उदयपुर, जो राजस्थान की पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। एमएचए मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर जो है गृह मंत्रालय ने एक आदेश निकालते हैं 29 जून को कि यह केस है वह एनआईए को स्थानांतरित किया जाए। 29 जून 2022 को एनआईए ये केस को स्थानांतरित कर दिया जाता है और एनआईए इस केस को अपने री रजिस्टर करता है। उसका चाहे तो मैं केस नंबर बोल सकता हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने ट्वीट पे वो तमाम फैक्ट्स लिखे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस केस की सुनवाई एनआईए कोर्ट के अंदर हो रही है और एनआईए कोर्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट का गठन करना हो या किसी भी तरह का गठन करना हो वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तमाम तथ्य और साक्ष्य बिल्कुल सामने है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति, उन्हें अपने आप को फलने फूलने में कहीं ना कहीं समाज का ध्रुवीकरण करके राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी कन्हैया लाल जी के घर पे जाते हैं। वो जाते हैं उस एनआईए कोर्ट के अंदर, वो जाते हैं एनआईए एजेंसी के अंदर,
वो जाते गृह मंत्री अमित शाह जी के पास में, वो जाते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में कि तुरंत इसमें सुनवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ और तुरंत फैसला दो। लेकिन इन्हें पता है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के ये प्रोपगंडे रचेंगे। लेकिन राजस्थान का जो विश्वास है, भाईचारा है, प्रेम है, स्वार्थ है, गंगा जमुनी तहजीब है, इसको ये किसी भी हालात में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि राजस्थान की 8 करोड़ जनता मणिपुर को भी देश का अभिन्न अंग मानती है, उनकी पीड़ाओं को भी महसूस करती है, अलग अलग देश के अंदर जो राज्यों के अंदर केंद्र सरकार की नाकामियां वो खुद देख रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने महिला आपका आपका ये तर्क खत्म हो गया हो तो मेरा सवाल यह है कि राजेंद्र राठौड़ ने भी इस पर पलटवार किया और ये सवाल पूछा कि जो दोषियों को अब तक 1 साल हो गया सजा नहीं मिली, इसके जिम्मेदार कांग्रेस की सरकार है। स्पेशल कोर्ट का गठन आपको करना था, नियम के मुताबिक वो आपने नहीं किया। जी बोलिए हेमंत जी, मैं चाहूंगा कि ये किसी राजनीतिक दल का मंच नहीं है जी। न्यूज 18 के मंच पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नेता झूठ नहीं बोल सकता, आप बेनकाब करेंगे उसको। राजेंद्र राठौड़ जी को पता होना चाहिए, जब एनआईए जांच कर रही है, एनआईए को अगर आपकी बात हो गई हो तो हेमंत जी ये बात कह रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी के उसी कन्हैया लाल ने चिट्ठी लिखी थी पुलिस को, आपकी तरफ से कहा गया कि एनआईए ने चार्जशीट तक दाखिल नहीं की है, आपकी तरफ से कहा गया और ये बताया गया राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि 22 दिसंबर 2022 को ही एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी इस मामले में जी। मैं आपसे अब इस देरी का जिम्मेदार कौन है, ये दोनों आप एक दूसरे पर डाल रहे हैं। महेश शर्मा जी आप कैसे देख रहे हैं बताइए, दोनों के तर्क आपने सुने, इस पर कौन जिम्मेदार है? पकड़ा नहीं। एक मिनट महेश शर्मा जी, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप बताइए। इसी बात पर तो इतने संवेदनशील मामले पर दोषियों को सजा दिलवाने के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, और ये इसमें चाहे केंद्रीय एजेंसी हो, चाहे राज्य सरकार की एजेंसी हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार, बयानबाजी में ना उलझ के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न जड़के, बल्कि इस मामले को संवेदनशीलता के साथ न्याय दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य तो महेश शर्मा जी यही है ना कि एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगाए जाएंगे, चाहे कोई भी घटना हो, बीजेपी भी अगर डेल्टा मेघवाल के वहां पर नहीं जाएंगी और कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हुए अगर यहां पे बीकानेर में दलित युवती के साथ गैंगरेप और हत्या हुई तो वहां जाएंगी जरूर, लेकिन कांग्रेस भी वहां पर नहीं बोलेंगी, कांग्रेस वहां पर नहीं बोलेगी तो बीजेपी, क्या दोनों ही दल इसी तरह से इन घटनाओं को देखते हैं? मैं यही कह रहा हूं कि संवेदनशील जो मामले होते हैं, एक तो ये उत्पीड़ित जो व्यक्ति है उसको मतलब क्या कहता है राहत मिले, और साथ साथ ही समय पे मतलब कहता है न्याय मिले। अगर उसमें न्याय नहीं मिलती या जांच नहीं होती है तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी है। इसको दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो इसे गंभीरता से लें और जांच पे कहां कमी रही उसके बारे में जानकारी दें। पारिक साहब जी, आप इस पूरे मसले पर कहना चाह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि गृह मंत्री की तरफ से वंशवाद पर भी हमला बोला गया। कांग्रेस कह रही है कि आपको अपना वंशवाद नहीं दिखता है, तो ये तो वही बात हो गई, हमारा वंशवाद है और आपके वाला फैमिली प्लानिंग है। नहीं हेमंत जी, पूरे देश में जो ये 500 तो लगभग सांसद हो गए और लगभग 1000 के 1200 विधायक हो गए, 2-3 नाम निकाल के लाए हैं, ये आप समझ सकते हैं कि परसेंटेज क्या है। और एक कांग्रेस के जो पुत्र है नेताओं के, उनकी परसेंटेज आप निकालेंगे तो 34-35% आता है। तो अल्टीमेटली ये तो सोचना पड़ेगा कि पूरे देश में 2 नाम मिले हैं, ये इनके पुत्र भी यहाँ पे हैं, बस इसी से जाहिर है कि यहाँ पर वंशवाद नहीं है। पूरे देश में 2 नाम, और मैं कांग्रेस पार्टी की ऐसी लिस्ट गिना सकता हूँ आपको, पूरे देश में बहुत सारे नाम है जहां पर नेता पुत्रों को लगातार टिकट मिले हैं। देवड़ा जी के लड़के थे, अजी मैं आपको बता रहा हूँ ना, राजेश पायलट के ये पायलट थे, शीला दीक्षित के एक बार एक साथ 7 मंत्री थे केंद्र में, 7 मंत्री पुत्र। मैं आपको निवेदन ये करना चाह रहा हूँ, तो ये फर्क पारिक साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप करें तो वो वंशवाद नहीं है, वो फैमिली प्लानिंग या वो सियासी दूरदर्शिता हो जाएगी। कांग्रेस करेगा तो वंशवाद होगा, ये ऐसा क्यों है? ये सर अपवाद है। अपवाद क्या होता है? कितने अपवाद है आप में, और ऐसे अपवाद जो कांग्रेस में अपवाद थे, कांग्रेस में थे तब वंशवाद के करते थे, वो आपकी पार्टी में आकर के, ऐसे भी बहुत सारे नाम है वो आपकी पार्टी में आकर के जो है वो परिवर्तन के वाहक हो गए।
मेरा निवेदन सुनिए, एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं हो रही है ना। आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो अभी भी कह रहे हैं ये, उस कन्हैया लाल की चिट्ठी का क्या जो उसने पुलिस थाने में लिखी कि मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकी दी है, उनको पकड़ा नहीं इन्होंने तो वो हत्या हो गई। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि हत्या होती ही नहीं है अगर ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं होती तो, इसलिए ये बात करी जा रही है। अगर उन लोगों को पहले पकड़ लिया जाता, उसकी कन्हैया लाल की गुजारिश पर ध्यान दे लिया जाता, उदयपुर में हुआ सेम उसी दिन जब उन्होंने चिट्ठी लिख के दी कि मेरी जान को खतरा है, उसके बाद में उसकी दुकान पे लूट के हत्या कर दी, ये दो घटनाएं उसी दमा हुई है। तो ये माननीय गृह मंत्री जी का कहना बिल्कुल सही है कि राजस्थान की पुलिस चाहती है अगर तो उसको पहले पकड़ के वो ये घटना को ही रोका जा सकता था। आशीष चौधरी जी जवाब दीजिए। हेमंत जी, मुझे आपकी बेबसी और मजबूरी पे तर्स आता है। फिर वही बात है, आप ये कहते हैं कि कांग्रेस अपनी नाकामी, ये है कांग्रेस की ये नाकामी है। मेरी बेबसी पे आपको तर्स आता है कि जब जांच एनआईए के पास में है और एनआईए किसके अधीन आती है और एनआईए कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही है, आपने ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछा कि आप तुष्टिकरण की, ध्रुवीकरण की, सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए उस परिवार पे जाते हैं, लेकिन आपने क्या सहयोग किया आप बताइए ना चौधरी साहब, मैं आपका कोई प्रवक्ता थोड़ी हूँ। जोधपुर में सवाल तो आपसे है ना, आप बताइए ना आपकी क्या मजबूरी होती है, फिर आपकी क्या मजबूरी होती है, सारा काम पत्रकार कर लेंगे, राजनीतिक दल का काम क्या है, सत्ता तो आपकी है, सरकार तो आपकी है, खाजुवाला पर आप क्यों चुप थे, आप बोलिए ना। आप अपने आधी घंटे से सिर्फ उसी भाजपा के एजेंडे को प्रोपोगेट कर रहे हो, उसी भाजपा के। चौधरी साहब आपकी आदत बन गई है, चौधरी साहब सुनिए, चौधरी साहब सुनिए, सुनिए 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 मेरी बात सुनिए, चौधरी साहब सुनिए 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 चौधरी साहब गाड़ियों को तोड़ा, आपकी महिलाओं को पीटा, चौधरी साहब आपकी क्या बेबसी है, आपकी क्या मजबूरी है, बताइए ना जरा। कांवड़ यात्रा को पकड़ा किया, उन लोगों को रातों रात को बिना मुकदमा दर्ज कराए आपके विधायक और मंत्री कांग्रेस पार्टी के छुड़ा के ले गए, और आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, उल्टे हम पे उल्टे आरोप लगा रहे हैं। जबकि सिंधी कॉलोनी की लड़कियों को, महिलाओं का क्या दोष था, जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई, जिनको पीटा गया, उनके खिलाफ आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और आप कह रहे हो कि हम हिंदू मुसलमान करके केंद्र सरकार की नाकामी है। आपको आपको वो लोग नागरिक नहीं लगते हैं क्या, सिंधी कॉलोनी की वो महिलाएं जिनको उन लड़कों ने पीटा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ शास्त्री नगर थाने में, और वहां पे महेश जोशी और अमीन काजी जाके बैठ गए और उनको छुड़ा के ले आए, और आप हमको बता रहे हैं हम सांप्रदायिक है। ये राजस्थान की कांवड़ यात्रा में पथराव के दोषी क्या दोषी नहीं होते, तुम्हारे पास में नो उपलब्धि नहीं है, सिर्फ विभाजन करो, सांप्रदायिकता में नफरत पैदा करो, सांप्रदायिक एक मिनट शांति, पारिक साहब शांति, पारिक साहब एक मिनट। चौधरी जी, गृहमंत्री ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी वंशवाद पर चलती है, और आप मेरी कमियां गिनाने के बजाय, व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप लगाने के बजाय, आप आपकी क्या मजबूरी है वो भी बता दीजिए। जो आप उत्तर प्रदेश की घटना पर तो दलितों के अत्याचार पर बोलेंगे, लेकिन राजस्थान में आकर के चुप हो जाएंगे, वो क्यों चुप हैं, क्यों आखिरकार एक के बाद एक सांप्रदायिक घटनाएं होती रही, इसकी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी चौधरी साहब, यह भी बता दीजिए। जवाब दे दूं मैं, आप मुझे? हाँ जवाब दीजिए ना, आप बोलिए। देश के किसी भी हिस्से में अगर आतंकी घटना होती है तो ये केंद्रीय सरकार की इंटेलिजेंस का फेल्यूर है, केंद्रीय एजेंसी का दायित्व बनता है कि अगर कोई आतंकी घटनाएं हो सकती है तो उसका इनपुट राज्य की सरकार को देना चाहिए, तो ये उसकी इंटेलिजेंस का फेल्यूर है केंद्र की सरकार का। एक बात ये कहना चाहूंगा, जिस घटना को अंजाम दिया उन आतंकियों को हमने 4 घंटे में पकड़ा, ये राजस्थान पुलिस का अचीवमेंट है। आज वो जो केस एनआईए ने लिया उस पे अपराधियों को सजा दिलाना उनकी जिम्मेदारी है, और वो उसकी नाकामी है कि आज तक चार्जशीट पेश करके उन्हें सजा नहीं दिला पाए। ये कहना चाहूंगा हमारा दोहरा मापदंड नहीं है, जिस घटना के अंदर होता है सलाखों के पीछे, बोलिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे कठुआ की घटना हो, वहां पे दुष्कर्म पीड़िताओं को, तो वहां पर एक बात बताइए, खाजुवाला फिर क्यों नहीं गए, खाजुवाला में आपके नेता कौन कौन गए बताइए जरा, खाजुवाला में पीड़ितों के पास नेता कौन कौन गए बताइए जरा, चौधरी साहब बताएंगे बड़े सिन्हा चौड़ा करके। हाँ सिन्हा चौड़ा करके कह रहे हैं, सिन्हा चौड़ा करके पुलिस के पहरे में बताइए ना, किसी को
पीड़ितों से मिलने से नहीं रोकते। मैं कह रहा हूं काजवाला में आपके कितने नेता गए हैं, अभी अभी का मसला है ना, आज ही मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। क्या मीडिया गई थी हाथरस के अंदर? मीडिया गई थी हाथरस के अंदर। और चौधरी साहब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मीडिया ने 24 घंटे कवरेज किया है। अगर आपको नहीं तथ्य मालूम हो तो जाइए और पढ़ करके आइए। चौधरी साहब गुमराह मत कीजिए, तुम बिल्कुल कर रहे हो, गुमराह तुम कर रहे हो। आपकी भाषा प्रदेश देख रहा है चौधरी जी, आपकी भाषा प्रदेश देख रहा है कि किस तरीके से आप झूठे तथ्य रख रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दरिंदे ने दिया वो जेल की सलाखों के पीछे। आपकी भाषा पूरा प्रदेश सुन रहा है चौधरी साहब, आपकी जो भाषा का स्तर गिर रहा है वो पूरा प्रदेश सुन रहा है। आप किस तरीके से बात करते हैं वो भी प्रदेश की जनता देख रही है। तो उनको तय करने दीजिए, उनको तय करने दीजिए। महेश जी के अंदर प्रदेश का माहौल खराब नहीं करने देंगे तुम्हें। वंशवाद पर कांग्रेस आकर के खुलकर के बात नहीं करती है, बीजेपी पर ठीक है आरोप लगाते हैं, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, तो क्या दोनों ही दल इस पूरे मामले में समान है? मैं एक मिनट आ रहा हूँ चौधरी साहब, आपने जवाब कहाँ दिया? मैं आपके पास आया था तब आप मेरे पे पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगाने से नहीं चुके। रुक जाइए, इतना समय नहीं है, दूसरों को भी बोलने दीजिए प्लीज। बोलिए दूसरों क्या बोलने दीजिए आप, मैं आपकी बात चुपचाप सुन रहा था। और सबसे ज्यादा आप इस बहस के फुटेज निकाल करके देख लीजिए, आप गुमराह मत कीजिए सर, आप गुमराह मत कीजिए, आप फुटेज निकाल करके देख लीजिए। सबसे ज्यादा अगर कोई बोला है तो आप बोले, सबसे ज्यादा आपको समय दिया है, लेकिन आप इधर उधर की फालतू की बातें करेंगे। फालतू की बात नहीं कह सकते मेरे को। देखिए तो आप जवाब क्यों नहीं देते उनको, बोलिए ना। आपको जब जवाब देना होगा तब आप मुझ पर आक्षेप लगाएंगे। और न्यूज़ एटीन ये कह रहा है कि जिम्मेदार कौन, आपने ये सवाल से तो कही है। मैं यही सवाल कह रहा हूँ, जिम्मेदार कौन? लेकिन सवाल उठाने का फर्ज तो आपका है ना सर। मैं आपका कोई प्रवक्ता नहीं हूँ या बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ सर। मेरा काम है सवाल पूछना, और मैं सवाल पूछ रहा हूँ उतनी जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूँ। और ये प्रदेश की जनता तय कर ले चौधरी जी कि आप बिना तैयारी के बिना तथ्यों के बात करते हैं और सिर्फ पूरा का पूरा समय इस जनता को गुमराह करने में जाया करते हैं। अगर आप इससे चिल्लाएंगे करेंगे तो इस बहस का कोई मतलब नहीं है। आप अपनी बात रखिए, लेकिन बात शब्दों की मर्यादा भी तो रखिए सर, शब्दों की मर्यादा भी तो रखिए। महेश जी बोलिए। हाँ जी, मैं ये इस मामले में कह रहा हूँ कि इस तरह जनता के जो संवेदनशील मामले हैं कि चुनाव की आड़ में माहौल बनाने के लिए किसी भी तरह की कोई इस्तेमाल इन चीजों को इस्तेमाल न किया जाए, बल्कि ये होना चाहिए प्राथमिकता कि जो प्रभावित हैं उनको न्याय मिले और साथ साथ ही उनको जो भी जांच में कमियां रही हैं या उसमें तेजी लाए, और इसके अलावा उनको दोषियों को जो न्याय भी मिले। ये सारी चीजें जो है दोषियों को मतलब उनको सजा मिले, ये सारी जो चीज है इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। वनस्पत की ये चुनाव आए तो उसमें माहौल बनाने की कोशिश करें, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप न करके जी। हमें जनता को राहत देनी लेकिन, है लेकिन और शर्मा साहब आज मैं बताना चाहता हूँ, शर्मा साहब मैं बताना चाहता हूँ महेश जी कि आज जब हमने सवाल किया जनता से कि अमित शाह के कांग्रेस पर जो आरोप लगाए गए चुनावी समय में क्या वोटर्स उनसे प्रभावित होता है, तो 65% लोगों ने कहा कि नहीं, जब चुनावी समय में इस तरह से आरोप लगाते हैं तो कोई प्रभाव वोटर्स पर नहीं पड़ता है। 35% ने कहा है हाँ, लेकिन यह बात आपकी मायने रखती है कि चाहे चुनाव का समय हो या फिर बिना चुनाव का समय, जब जिम्मेदार लोग बोले तो कम से कम उनकी भाषा शैली भी सही होनी चाहिए, और साथ ही साथ संवेदनशील मुद्दों पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों का, और कुल मिलाकर के प्रदेश में जब चुनाव आने वाले हैं तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यह सिलसिला जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा और ज्यादा बढ़ता रहेगा, लेकिन आखिर कौन सही है कौन गलत, यह आप जनता को तय करना है। नमस्कार।